बॉलीवुड एक्टर और डायरेक्टर अरबाज खान ने हाल ही में दूसरी शादी कर ली है। अभिनेता ने रविवार को इंटीमेट सेरेमनी में मेकअप आर्टिस्ट शूरा खान से निकाह किया। दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम के साथ अर्पिता खान के बंगले पर की गई थी, जिसमें सलमान खान, सोहेल खान, अरबाज के बेटे अरहान खान, माता पिता सलीम और सलमा खान समेत उनका पूरा परिवार मौजूद था। दोनों की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई है। इस बीच अब अरबाज के पिता यानी सलीम खान ने अपने दूसरे बेटे की दूसरी शादी पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने बताया कि जब अरबाज ने उन्हें शादी के बारे में बताया तो उन्होंने क्या कहा था। दरअसल सलीम खान ने हाल ही के एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने शादी करने का फैसला किया, उसके लिए मैं बहुत खुश हूं और उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। मैंने अरबाज और शूरा को अपना आशीर्वाद दे दिया और मेरे लिए ये खुशी की बात है। वहीं जब सलीम खान से पूछा गया कि क्या शादी के आसपास कोई बातचीत हुई थी, तो सलीम खान ने कहा, मेरे ख्याल से इस बात पर नहीं चर्चा होनी चाहिए क्योंकि इस विषय पर चर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं। वो अपने फैसले खुद लेने के काबिल हैं। अगर वो खुश हैं तो फिर कोई बात मायने नहीं रखती। मुझे उससे बस यही बताया था कि वो शादी करने जा रहा है और मैंने कहा ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें किसी के फैसले के आड़े नहीं आना चाहिए और ना ही इस पर कुछ कहना चाहिए क्योंकि दखल अंदाजी से दिक्कतें हो सकती हैं। आपका इस पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।